वेलकम एवरीवन। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 फुल ऑन हॉरर सीरीज बन चुकी है। इसको देख के कहीं से नहीं लग रहा है कि ये पहली जैसी स्ट्रेंजर थिंग्स है। बढ़िया सिनेमाटोग्राफी से लेकर स्टोरी तक मजा आ गया। अगर आपने इसके पिछले सीजन नहीं देखे हैं तो जाके देखो, तभी ये सीजन आपको समझ में आएगा। हॉरर फैंस के लिए ये सीरीज जरूर मैं रिकमेंड करूंगा, खासतौर से ये सीजन तो जरूर से देखो। और भी बहुत सारी चीजें हैं आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 1 के बारे में। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के पहले 8 मिनट तो नेटफ्लिक्स ने यूट्यूब पर ही डाल दिए थे, पर उनसे कुछ खास पता नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये सीरीज आप देखोगे आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार क्या ही बनाई है। डफर ब्रदर्स को तो मान गए, नाम में भले ही डफर हो पर काम बिल्कुल भी वैसा नहीं है। नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज की हेल्प से सुपर नेचुरल सीरीज जो होती है ना उनका लेवल ऊपर उठा दिया है। और ये भी मानना पड़ेगा कि ये सीजन बाकियों के कंपैरिजन में डार्कर है, और अभी तो इसका सीजन 4 पूरा आया भी नहीं है। जब पूरा आएगा तो अलग ही मजा होगा उसका, क्योंकि एक तो उसके एपिसोड्स इतने लंबे होने वाले हैं पार्ट 2 के, ऊपर से ये सीरीज और भी ज्यादा डार्क होने वाली है आगे चल के। अब जैसा कि हमें लग ही रहा था कि 11 की पावर्स इसमें वापस आएगी, हमें लग रहा था कि वापस आते हुए हमें दिखेंगी, तो अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि 11 की पावर्स सीजन 4 के वॉल्यूम 1 में वापस आई है क्या, तो इसका जवाब है हाँ और ना दोनों। क्योंकि इस सीजन में उसे बहुत इमोशनल ट्रॉमा झेलना पड़ा है। हर दूसरे सीन में या तो वो बेइज्जत हो रही है या फिर वो मार और गालियाँ खा रही है। फील होता है कि बस कोई ना कोई उसे यूज़ करना चाहता है, खासतौर से लैब के लोग उसे एक्सपेरिमेंट का चूहा बना के रखे हुए हैं। और हमें इस सीजन में बहुत कुछ पता पड़ता है 11 के पास्ट के बारे में, कि उसके साथ क्या क्या हुआ था लैब में और वो कितना हॉरिबल था। हमें 11 के बचपन के साथ साथ उसका पास्ट भी देखने को मिला है, जहां पर पहले जो हमें शक था कि 11 जो है वो अकेली नहीं है उस लैब एक्सपेरिमेंट में, और भी लोग हैं, तो बेसिकली वो सही था। 11 असल में, जो कि जेन हॉपर उसका नाम है, 11 इसलिए है क्योंकि वो 11th नंबर पे है एक्सपेरिमेंट के हिसाब किताब से। उससे पहले और भी लोग हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। प्लस जो ये एक्सपेरिमेंट है इसका नाम द नीना प्रोजेक्ट है, जो कि 11 को एक तरीके से बेहोश करके उसके माइंड को टाइम ट्रैवल करवाता है। उसको फील होता है कि उसकी बॉडी टाइम ट्रैवल कर रही है, पास्ट में है पर उसकी बॉडी अब भी प्रेजेंट में ही है। और इससे उसकी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है, पर उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और उसको इस प्रोजेक्ट में डाला ही इसलिए गया था दोबारा, ताकि उसकी पावर्स वापस आ सके। इस प्रोजेक्ट की वजह से 11 अपने पास्ट में जैसी अपनी पावर्स को यूज़ करती थी उस हिसाब से वो इस प्रोजेक्ट से अपने पास्ट में जाके टाइम ट्रैवल करके रीलिव करेगी, तो मे बी उसे अपनी पावर्स को फिर से यूज़ करने का तरीका और ढंग पता पड़े और उससे उसकी पावर्स वापस आ जाए, जो कि आती भी है लेकिन फिर से चली जाती है। और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 11 इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी इस सीज़न में, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो अपनों से दूर है, प्लस उसके पास उसकी पावर्स भी नहीं है। थ्रू आउट द शो इसका ग्रोवी बैकग्राउंड स्कोर हमें 1980s की याद दिलाता रहता है कि हम इतने एडवांस नहीं हैं, ज़माना इतना आगे नहीं बढ़ा है जितना हम सोच रहे हैं। पुरानी विंटेज गाड़ियां हैं, कॉर्डलेस हैं, डायलाफोन्स हैं, लैंडलाइंस हैं, पुराने कंप्यूटर्स हैं वगैरह वगैरह। वैसे भी शो का थीम भी तो 70s और 80s के टाइम पर ही बेस्ड है, और ये सीजन बहुत सी चीज़ें भी तुम्हारे सामने खोलता है जो कि तुम्हें देख के हैरानी होगी। किसे पता था कि वेकना उस एक्सपेरिमेंट लैब का चूहा है। इसमें हमें पूरी स्टोरी बताई गई है वेकना की, जो कि असल में नंबर 001 है और वो भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका है जो कि 11 पे किया गया था, और डॉक्टर ब्रेमर उसे कंट्रोल में रखे हुए थे क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। वेकना असल में पहला इंसान था 11 की तरह, पर उसने मैसेकर मचा दिया था उस लैब में 11 की हेल्प से, वहां से उसका भरोसा जीत के। और 11 ने सभी लैब के लोगों को नहीं मारा था, जो कि हमें लग रहा था, जो कि हमें मरे हुए देखने को मिले थे उन सबको 001 ने मारा था, जो कि विक्टर क्रील का बेटा है। और यहाँ पर एंड में 11 वर्सेस 001 हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर 11 उसे अपसाइड डाउन में बेच देती है उससे लड़के, और वहाँ पर वो जाके वेकना बन जाता है। वेकना की पूरी ओरिजिन के बारे में हम फिर कभी बातें करेंगे। स्टार्टिंग से चीज़ें बहुत अलग अलग चलती है। 11 की कहानी अलग, हॉकिंस की अलग, हॉपर की अलग, बच्चों की अलग, पुलिस तो अलग ही लगी हुई है, उनको कोई भाव ही नहीं दे रहा। पर एंड में ये सारी स्टोरीज एक साथ जाके मिलती है और ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे ही आके मिलती है। लेकिन उससे पहले जो खिचड़ी हो रही होती है वो जैसे जैसे इस सीज़न का एंड आता है वो सब एन्यूमरेट होता जाता है। सीजन 4 वॉल्यूम 1 अच्छा लगा मुझे। प्लस अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो जाके ज़रूर देखो ये सीज़न, क्योंकि ये बहुत डार्क है इसके बाकी सीजन्स के कंपैरिजन में। हॉरर मूवी टाइप का पूरा मज़ा दे दिया इसने। नेटफ्लिक्स इससे अपने खोए हुए सब्सक्राइबर्स वापस पा सकता है क्या, क्या लगता है आपको? और अगर तुम्हें हॉरर नहीं पसंद तो अपने रिस्क पे ही देखना। सीरीज अच्छी है, बस ये सीजन थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया। इस पे अपन और भी बातें करेंगे जैसे जैसे इसके और एपिसोड्स आते जाएंगे। July 1st का इंतज़ार है अब तो। आपने अगर देख लिया तो बताओ कैसी लगी ये सीरीज़, और इसके बारे में क्या सोचते हो ये भी बताओ।
वेल, तो ये था रिव्यू और छोटा सा एक्सप्लेनेशन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के वॉल्यूम 1 के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोज के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।